हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैसे सनी पाजी? हाय 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 मैं सच्ची बता रही कप्पू, क्या हुआ? मेरे को आज इतनी खुशी हुई है ना दिल से, अर्चना जी की पिक्चर आ रही है, मेरे को इतनी खुशी हुई है। अरे इनकी फिल्म आ रही है वेले, इनसे बड़ा वेला कौन है? नहीं मेरे को लगा कि इन पे किसी ने कोई बायोग्राफी बनाई हुई है। फिर सनी पाजी कैसे हैं आप? फाइन फाइन। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरी दुनिया आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी है वो बहुत घबरा रहा है आपसे मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं काय को, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं उसको। Why not? बहुत घबराहट हो रही है उसको, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अंकल अंकल आओ ना। अच्छा I got it. पहचाना सर आपने? कौन है ये? अशरफ अली। सनी पाजी आप लोगों ने अशरफ अली जी को इतना छोटा क्यों बना दिया? आपका जब से सर पे हाथ पड़ा है तब से छोटा हुआ है वो। मैं सच्ची बताऊं ये कप्पू, हाँ। ये भी बहुत घबराया हुआ है, इसके जो बच्चे हैं ना वो भी घबराया, मतलब जनरेशन जितनी है वो भी घबराई हुई है। क्यों? अरे उनको ना घबराहट होती है जब गदर 5 आएगी तो करण इनके बेटे का हैंडपंप ना उखाड़ दे। जा इधर से। सर मेरी ऐसी घटिया आवाज से थोड़ी जाएगा वो, अगर आपने एक बार बोल दिया जाने के लिए अपने स्टाइल में तो ये पता नहीं किधर जाएगा, जिम्बाब्वे पहुंच जाएगा ये। अरे भाग! सॉरी मैं थोड़ा घबरा गई थी। खैर कैसे आप लोग? वेरी नाइस। आप लोग का प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत आए नाइस हाँ नूडल। मेरे को आप लोग की पिक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसमें आप लोग ऐसा कुछ किडनैप करते और फिर 10 लाख रुपए का फिरौती मांगते, ऐसा है ना? तेरे को मालूम है कप्पू, मैंने ना पिछले महीने अर्चना जी को किडनैप किया था। हाँ। और फिर ना मैंने परमित जी को फोन करके 10 लाख रुपए का फिरौती भी मांगा। फिर सर आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 1 घंटे बाद 15 लाख का चेक आया बुके के साथ में। 15 लाख 10 मांगा 15 15 और थैंक्स लेटर भी भेजा, इसको रखो अपने पास। नहीं नहीं लेकिन सर बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप बिलीव नहीं करेंगे 2 घंटे बाद एक और बुके आया। अच्छा। 25 लाख रुपए के चेक के साथ में। वो किसने भेजा? पता नहीं, नाम नहीं लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था छा गए गुरु ऐसे करते रहो। हाय यू विशेष नो? आप क्या रणबीर कपूर को बहुत फॉलो करते हो क्या? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि रणबीर कपूर ने पहली पिक्चर में अपना ना ऐसा करके टावल गिरा दिया था। इनकी मैंने पहली पिक्चर देखी थी चिल्लर पार्टी, उसमें चड्डी पहन के पूरे मार्केट में घूम रहे थे ये। सपना मेहमान आए कोई ढंग की बात कर। हाँ सर, बाहर ना मेरे को मधुमक्खी ने काटा। ये क्या? तूने बोला ना डंकी बात कर, तो डंकी बात की ना मैं। हमारे देश के एमपी सामने बैठे हैं, एक्टर हैं वो, और तू फालतू की बातें कर रही इधर उधर की। हाँ हाँ मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सर मैं भी छोटी मोटी नहीं हूँ। आज शाम को मेरे घर पे एक एमपी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं मुरली प्रसाद। आप SSP है ना? हाँ जी। हाँ आपका बाहर DSP वेट कर रहे हैं। DSP मतलब धर्म सिंह प्रेमी? नहीं नहीं असली DSP पुलिस वाला। क्यों? इन्होंने पता नहीं गाड़ी गलत पार्किंग में लगा दी है। ये गलत पार्किंग के लिए DSP आ गए? तो खुद की गाड़ी लगाए ना, पता नहीं किसी और की गाड़ी उठा के लाए हैं ये। सपना
सनी पाजी इतने सीनियर है तो फालतू की बातें कर रही, क्या सोचेंगे वो? नहीं नहीं हाँ सर, आपको इंडस्ट्री में अभी कम 39 ईयर्स हो गए ना, है ना? और बॉबी सर को 26 साल हो गए कम से कम, और धर्म जी को 61 ईयर्स। वाओ माय गॉड, कुल मिला के 125 साल हो गए आप लोग को। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तूने फिर मांगना शुरू कर दिया। अच्छा पैसा नहीं मांगेगी। सर आप तो एमपी है ना सर, तो आप तो बहुत बड़े बड़े बिल पास करते रहेंगे। सर मेरा ये खाने का बिल पास कर दो। ₹5,200,000। ये झूठी, 5 करोड़ का खाना कौन खाता है? मैं घर का खाना खाती हूँ। घर का खाना इतना महंगा होता है? सस्ता पड़ता है वो तो। अरे तो बाबा पहले मैंने घर बनाया, फिर उस घर में खाना बनाया। 5 करोड़ का घर है, 200 रुपए की दाल खिचड़ी है। किधर गलत बोला मैंने? बात कर रहे थे। कपना तुझे पता फिल्म के डायरेक्टर भी आए, उनसे बात कर ले। अरे वाह, किधर है? आ, देख सामने बैठे हुए। ओ डायरेक्टर साहब इधर है? वाह वाह, ये भी वेले हैं यार। वाह 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 सर, बहुत अच्छा, काफी फिट भी है। कोशिश। जिम कभी आपके पास आता है? जिम क्यों आएगा? क्योंकि मुझको इनको देखकर लगता नहीं ये कभी जिम जाते होंगे। एनुअल मेंबर हूं जिम का, साल में एक बार। प्रोमो देखा, मैं सच्ची बताऊं दिल से आपकी पिक्चर सुपर हिट होंगी, जाओ मेरी जवानी। थैंक यू सो मच, गुड लक आपको। अच्छा सनी पाजी मैं चलती हूँ, मेरा जाने का टाइम है, लेकिन अच्छा, आपको ये प्रोडक्शन वालों को दे देना प्लीज। 2 रुपया इनसे निकलता नहीं है। 2 रुपया माइनस कर देना, अभी आपने बोला है तो देना ही पड़ेगा ये लोग को। सनी पाजी हमारे इधर अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो आप लोगों के लिए खास वेले मसाज। वो क्या होता है? इसमें क्या रहता है पाजी, हम लोग कस्टमर आते हैं उसको तेल लगाते हैं। हाँ। और 2 घंटा ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा मतलब हो गई वेले मसाज। इतना इजी नहीं रहता है, ऐसे कैसे हो गई? फिर हम उसको तेल वेल लगा के समुद्र किनारे ले जाते हैं। फिर उसको ऐसा मट्टी में लेटाते हैं। फिर वेल आती है। फिर वेल उसका मसाज, इसको सर ना इजी लगता है। हाँ फिर हमारे पास सर आपकी घायल पिक्चर आई थी जो मेरी फेवरेट है। हाँ। तो घायल मसाज है। अच्छा। उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, वो जो आदमी लेटा हुआ है। हाँ, उसको जख्मी कर देते। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग कस्टमर के साथ कभी नहीं करते। वो जो वेल आई थी। हाँ। तो उसने उसका मसाज किया था। हाँ। तो अब वो घायल हो गया ना। तो मतलब पॉइंट है। फिर उस घायल का आप मसाज करते हो ऐसे? अरे घायल आदमी को कौन मसाज करता है? अरे घायल आदमी को तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना हम लोग। इतना इसको सब इजी लगता है, ऐसा करते हो जाता। अरे ऐसा नहीं होता, हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर। फिर अब उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, अब है घातक मसाज। इसमें क्या होता है? अब क्या होता है भाई? के वो बेड पे लेटा हुआ है। हाँ। उसकी आंखों में रेत चली गई है। हाँ। उसको नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो डॉक्टर उसकी आंख चेक करने के लिए बोर्ड पे लिखता है क ख ग घ। हाँ। और उसको पूछता है कहां तक दिख रहा है तेरे को, वो बोलता है घा तक। ऐसा रहता है ना, अच्छा लगा ना। अच्छा एक लास्ट चीज जाने से पहले सनी पाजी, बॉबी सर को तो जिम का बहुत शौक है, तो वो तो सारा टाइम जिम में रहते रहेंगे, और आप तो एमपी है तो ज्यादातर आप संसद में रहते रहेंगे, और धर्म जी के मैं वीडियो देखी उनको फार्मिंग का शौक है तो वो तो उधर फार्म हाउस पे रहते रहेंगे, तो आपका घर खाली है तो दो ना रहने के लिए। तो करण कहाँ रहेगा? करण फिल्मों में रहेगा। उसकी पिक्चर हिट होने वाली हो, पैदा ही चुए फिल्मों में रहने के लिए। खैर बहुत गुड लक आप लोग को। थैंक यू सनी पाजी, मैं चलती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसके अंदर जो एक आदमी है ना, रुको जरा, ये धर्म पाजी का वो वाला धर्मवीर वाला गरम बन के आते हैं, स्पूफ करते हैं, और इनके साथ आता है कीकू फनी देओल बन के। छुप क्यों रही अब? मैं थोड़ी करती है, वो मेरा भाई करता है कृष्णा। अच्छा। इसी घाघरे के अंदर है भाई भी। लेकिन अगर सनी पाजी आपकी मिमिक्री करके अगर कृष्णा के और 4 फ्लैट बनते हैं तो एक काम करना, और अगर उसमें से एक फ्लैट मुझे दे देना। अगर आप इजाजत देंगे तो
चलो अगले एपिसोड में हम लोग अगले एपिसोड में ही करेंगे. ओके बाय. हमारी नेता कैसी हो? बहादुर भूरी जैसी हो. हमारी नेता कैसी हो? बहादुर भूरी जैसी हो. हेलो सनी सर, हाउ आर यू? हाय करण, हाय सावंत, हाय विशेष, कैसे हैं आप लोग? बहुत बिजी हैं, तुम कल आना. चलो तू क्या कड़ी बन के घूम रही है? कोई चावल मिला के तुझे खाना जाए. डोंट टेक हिम सीरियसली, ये इसे मजाक करने की आदत है सर. तू भी किया कर, चैनल तेरे घर बुके भेजेगा जिस दिन तूने किया. कप्पू मुझे प्लीज गेस्ट से बात करने दो. थैंक यू वेरी मच, कीप क्वाइट नाउ. सनी सर, जैसे आप एमपी हैं, वैसे मैं अपनी होटल की यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ. कौन सी यूनियन? पूरे इलाके में एक होटल है. क्यों इतनी अच्छी रहीम चाचा के खेतों में तुझे जॉब मिली थी? ऐसे करके मुंह पे मटका डाल के पंछियों को डराना, कितना अच्छा था वो. इतने अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे. देखो भूरी को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन भूरी सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, यू नो. अर्चना मैम, अरे चलो नारे लगाओ. वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है. वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है. ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा. स्क्रिप्ट भेजो मेल में, बाप तेरा जेल में. ये क्या? तुम हद से बाहर जा रहे हो. हद से नहीं, मैं अगले साल शो के लिए यूएस भी जा रहा हूँ. प्रमोशन शुरू अभी से, अब हर एपिसोड में सुनना पड़ेगा. एक सेकंड, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? प्लीज नारे लगाओ. मैडम पहले हमारे पैसे दो. ये भी पैसे देके लाई है? तुम लोगों ने क्या ये पैसे पेमेंट लगा के रखा है? 9 साल से मैं यहाँ पे हूँ, निकलवा दूंगी तुम सबको. मैडम आपकी वजह से तो हमें ट्राई किया जा रहा है. फालतू बातें मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से. 1 2 3 4 भूरी की होगी पक्की हार. 1 2 3 4 भूरी की होगी पक्की हार. करण कांग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म के लिए. मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत मजा आया. लेकिन मेरी एक शिकायत है, हीरोइन के रोल के लिए आपने मुझे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी फिल्म का बजट था. तेरे पास वो आते नल्ले होते जो. इधर बता आज क्या करने आई इधर? मैं सनी सर से चुनाव के टिप्स लेने आई हूँ. जिसे तू टिप्स बोलती ना, उसे आम सभ्य समाज पैसे बोलता है. ये पैसे मांगने आई है. वैसे विश्वास, मैंने आपकी फिल्म देखी चिल्लर पार्टी, मुझे तो बहुत मजा आया. आई रियली लव इट, सो मच फन. जिस समय तुम चिल्लर पार्टी में काम करते ना, ये चिल्लर इकट्ठे कर करके पार्टी कर रही थी. ओए कम से कम सपोर्टिंग कास्ट तो चेंज कर लिया करो. इधर से घूम के इधर आ गए, हद हो गया. नारे लगाने वाले बंदे भी सेम रखे दोनों ने. कपूर शर्मा, इसको शो के बजट के इशू कहते हैं. और बाहर जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उसका पता? शो का बजट इशू कहते हैं. यार तुम लोग क्या सुन रहे हो मेरी बेइज्जती? तुम शुरू हो जाओ. हमारा नेता कैसा हो? यार मेरी बात सुनो, तुमने ये बोलना है कि चंदू जैसा हो, ठीक है? चंदू जैसा भी हो, हमें हमारा पैसा दो. यार मैं पैसा लेकर तुम्हारा भाग रहा हूँ? मैं दे दूंगा, तुम्हारी पेमेंट भी दे दूंगा. मुझे चुनाव तो जीतने दो. चुनाव जीतने के बाद मैं तुम्हें 3 days 4 nights का स्टे भी दूंगा, वो भी मालदीव्स में. ओ, खुद तू कभी अहमदाबाद नहीं गया? उनको मालदीव्स भेज रहा है. तुम क्या हंस रहे हो? क्या हंस रहे हो भाई? यहाँ से 7 6 5 4 क्या बार है, क्या बार है. ओए 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 पाजी सत श्रीकाल. हेलो गाइस. हेलो. आप सबकी फिल्म वेले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. फिल्म नहीं, फिल्म. फिल्म 15 साल हो गए इसको बॉम्बे आए, आपकी फिल्म आ रही है. फिल्म आपकी फिल्म के लिए. आपको आपकी मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप ठीक है? जैसे आप फिल्म में वेले बने हो ना, ये हमारे रियल है. खैर पाजी, मैंने फिल्म मूवी का चंदू पिक्चर बोल दिया. पिक्चर के वो स्पेलिंग पूछ लेगा, मैं कहाँ जाऊंगा फिर. मूवी क्या सुना दे फिर. सर मैंने मूवी का ट्रेलर देखा, मैंने बड़ा मजा आया सर मुझे. चंदू ये बात मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, तुम क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हो? तो मुझे ज्यादा मजा आया ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. कुछ भी. और तुम दोनों की बात सुन के जो हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है उसका क्या? इतनी बड़ी लड़की हो गए चिड़िया का मुंह लगा के घूम रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है?
आप इन्हें इग्नोर कीजिए, एक्चुअली चंदू ना कप्पू का बचपन का दोस्त है, तो बस सर पे चढ़ा के रखा है और कुछ नहीं। मैं तो घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो एक बार। और उस दिन बीच में पता है शादी हो गई थी पक्की। हाँ, घोड़ी लेके आए, घोड़ी चने खा रही थी, घोड़ी का मुंह भरा हुआ था, उसने इसको देखा दूल्हा ऐसा, सारे चने कर दी। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? चंदू प्लीज मुझे बात करने दो। नहीं नहीं, गेस्ट से पहले मैं बात करूंगा। पाजी माई सेल्फ इज चंदू। उन्होंने पूछा तेरे से? मतलब, और जब बोल दो ना कि माई सेल्फ, तो छाती पे हाथ रखना जरूरी नहीं है। माई सेल्फ का मतलब यही होता है कि मैं ही हूं। हद है यार, तुम खड़ी खड़ी क्या दांत निकाल रही हो उधर? इतने गेस्ट आए हैं अच्छे अच्छे, तो उनके सामने मुझे तुमने ना कोई फ्लाइंग किस की है, ना कोई हक किया है, ना कोई शक किया है। कोई एटिकेट सीखो। ये दिख रहा है सनी सर, आप देख रहे हो, मुझे इस आदमी के साथ 8 साल से काम करना पड़ रहा है, और मुझे इन दोनों के साथ काम करना पड़ रहा है। देखो ये 40 का हो गया, वो 30 की, 70 के हो गए, धेले की अकल नहीं है। देखा, तुम्हारी वजह से मुझे हर बार बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, तुम भी हो। हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा से बात करो, ऐसे हम शादी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो चंदू, गेस्ट के सामने तुम कैसे बात कर रहे हो? हाँ, कैसे बात कर रहे हो? बात करने का एक लहजा होता है, एक तमीज होती है, व्यवहार होता है। जब से इन्हें आशुतोष राणा के घर का काम पकड़ा है ना, ये बड़े नए नए शब्द सीख के आई है आप। देखो आप, और तुम आशु सर के यहाँ काम कर रही हो? मैंने तुम्हारी बात शशि थरूर के यहाँ की थी। क्यों? हाँ, वहां जाती तो 4 वर्ड इंग्लिश के भी सीखती और मुझे भी सिखाती। नहीं तो जो पहले मार्केट में एबीसी घूम रही इतने सालों से, वो तो तुझे आई नहीं, वही सीख ले पहले। ओ यार, मुझे उस एबीसीडी से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल फोबिया है। एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। चलो जो भी है, मुझे वो है। ये बड़ा पाजी बेवकूफ है, पता है? ये गया अपने भाई के साथ डॉक्टर के वहां पे, तो इन्होंने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, इसका ज्यादा निकला, तो कहता जितना ज्यादा है वो मेरे भाई को दे दो, इसका कम है। तो ऐसा नहीं होता, कौन समझाए इनको? तो मैं अकेला मांगता, वो भी तो मांगती रहती है कुछ भी। पाजी मांगने की ऐसी हद है, पैदल आदमी से लिफ्ट मांग रही थी, कहती भैया मुझे वहां तक छोड़ दो, कहता मेरे पास बाइक वाइक नहीं है, कहती कोई बात नहीं, भगवान ने कंधे तो दिए हैं ना। ये ले, थैंक यू। खा ले काजू। काजू के बाद में तुम स्पेलिंग पूछो कि मैंने नहीं खाने। अब अगर तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारे गाल पे इनकी अपोजिशन पार्टी रख दूंगी। मतलब हाथ। अच्छा, आज की लड़की मैं चुप नहीं रहूंगी। आज की लड़की क्या मतलब, तुमने कल लोमड़ी बन जाना है? और मेरी बात सुनो, थोड़ा तुम कॉन्फिडेंस रखो। नहीं कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग पूछोगे? नहीं नहीं, तुम थोड़ा विश्वास रखो। तुम कल भी लड़की रहोगी, परसों भी लड़की रहोगी, और हो सकता है तू भी हो जाए कल को लड़की इसी जगह पे। खैर अजी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पंजाब से हूँ, आप भी पंजाब से हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं इलेक्शन जीत कर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूं। तेरे खानदान में किसी ने देखी लाल बत्ती? मेरे चाचा जी की बात थी, वो मोमबत्ती थी। लाल बत्ती। और सुना, तुम दोनों का बड़ा हो गया, चलो निकलो, काफी है आज। नहीं नहीं, वैसे एक्चुअली कैंपेनिंग के लिए मुझे जाना भी है, तो मैं। पाजी आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज सपोर्ट अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।